हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम फाइनली पावर ऑफ लेंस को खत्म करने वाले हैं। इस चैप्टर को भी उसके साथ साथ खत्म कर देंगे, पावर ऑफ लेंस। उसके बाद मैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ाऊंगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में कैसे पावर होता है, कैसे फोकल लेंथ होता है और कैसे उसका मैग्निफिकेशन भी होता है, उन सारी की बातें हम करेंगे। हालांकि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्लास टेंथ के पर्सपेक्टिव से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट तो है। आपको कोई भी चीज़ छोड़ के एग्जाम में नहीं जाना चाहिए, सारी चीज़ पढ़ के जाना चाहिए और हमें भी सारी चीज़ पढ़ाना ही चाहिए, तभी तो आप पढ़ेंगे। तो इसलिए हम कोई भी चीज़ आपको पढ़ाने से छोड़ेंगे नहीं, आपको भी कोई भी चीज़ पढ़ने से नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे भी इतना कोई खास टॉपिक है नहीं। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि ये ज्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है। आज हम फाइनली बात करेंगे कि लेंस में कौन ज्यादा पावरफुल लेंस होता है, कौन कम पावरफुल लेंस होता है, यानी किसकी ज्यादा पावर होती है, किसकी कम पावर होती है, उसका फील क्या होता है, वो फील की भी बातें करेंगे। और आपने सुना होगा कि उसकी जो आंखों पे लेंस लगा हुआ है उसका प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, उसका क्या मतलब होता है, और उसका पावर होता है, पावर ज्यादा है कम है, उसका क्या मतलब होता है, उन सारी की बात आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं। तो सीट बेल्ट बांध के बैठ जाओ, नजरें बिल्कुल बोर्ड पे होनी चाहिए। सो फाइनली आज हम बातें करेंगे विच इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसका फील देंगे, है ना। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज, क्या लिखोगे, हेलो, इट कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ लेंस, द एबिलिटी ऑफ लेंस, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज। अच्छा जी, इसका फील है क्या कि देखो भाई, ऐसा है, सबसे बड़ा भैसा है, ऐसा बात नहीं है। देखो जरा ध्यान से, दो तरीके की लेंस होती है ये, या तो कन्वर्जिंग विच इज नोन एज कन्वेक्स लेंस, या फिर डाइवर्जिंग विच इज नोन एज कनकेव लेंस। ये क्या करता है, कन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है, कनकेव लेंस लाइट को डाइवर्ज करता है। इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। अच्छा, अब पावर ऑफ लेंस का मतलब है कौन कितना ज्यादा कन्वर्ज या फिर कितना ज्यादा डाइवर्ज करता है, ये डिपेंड करता है उसकी पावर पे। अगर मैं बात करूँ कन्वर्जिंग लेंस की, तो जितना ज्यादा कोई लाइट रेज कन्वर्ज करेगा उस लेंस को बोलेंगे उसकी पावर उतनी ज्यादा है। डाइवर्जिंग की कई केस में जितना ज्यादा डाइवर्ज करेगा उससे बोलेंगे उतनी ज्यादा उसकी पावर है। अब इसका फील भी लेंगे थोड़ा सा, बस समय दो। इसको हम बोलते हैं इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ का मतलब है फोकल लेंथ है उसकी टांग ऊपर कर दो, मुंडी नीचे, तो क्या मिल जाएगा, पावर। यानी पावर इज बराबर टू वन बाय एफ। इसका ये फॉर्मूला होता है, वहां पे फोकल लेंथ को हमेशा मीटर में लेना होता है, पावर डैप्टर में आता है, अभी बताते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये समझो कि फोकल लेंथ और पावर में क्या इनवर्स रिलेशन है, यानी कि अगर फोकल लेंथ किसी लेंस का कम होगा तो उसकी पावर ज्यादा होगी, फोकल लेंथ ज्यादा होगा तो उसकी पावर कम होगी। अभी फाइनली हम इसके फॉर्मूले, इसके ऐसे यूनिट भी अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या याद रखना है, फोकल लेंथ जिस लेंस की कम, पावर उसकी ज्यादा, फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर उसकी कम, क्योंकि इससे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। अभी कराते हैं कैसा क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मान लीजिए, याद रखना कि जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी पावर ज्यादा, फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर कम। इस चीज को याद रखोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे, फील भी आ जाएगा इसका। देखो जरा ध्यान से समझना, पहले हम बात कर लेते हैं कन्वर्जिंग लेंस की, जिसको कहते हैं कन्वेक्स लेंस। किसकी बात कर लेते हैं, कन्वर्जिंग लेंस की। ये कन्वर्जिंग लेंस है कि नहीं, है ना। एक और मान लेते हैं इस कन्वर्जिंग लेंस की, ये भी कन्वर्जिंग लेंस है कि नहीं। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये थोड़ा मोटू सा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, मोटू सा, और ये दिख रहा है पतलू सा दिख रहा है। तो इसको सर्कल काफी बड़ा बनेगा, स्फेयर जो है काफी बड़ा बनेगा, इसका स्फेयर छोटा सा बनेगा, मोटू सा ये फूला हुआ है इसकी टोन। ध्यान से समझो, इसका सर्कल ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा ना। तो इसकी फोकल लेंथ कम होगी, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी। इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर मैं पैरेलल लाइट रेज को मारता हूँ, तो कन्वर्ज होगी, हाँ फोकस से जाएगी, सही बात है, कन्वर्ज होगी ना, कन्वर्ज तो होगी, बिल्कुल सही बात है। अभी फोकस वगैरह कहाँ से जाएगी, बाढ़ में जाए।
अब ये समझना कन्वर्ज होगी क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है। अच्छा इस केस में भी तो कन्वर्ज होगी लेंस, तो ये भी कन्वर्जिंग ही है। इस केस में भी कन्वर्ज तो होगी क्योंकि लेंस तो ये भी कन्वर्जिंग ही है। लेकिन मेरी जान ये बात ध्यान रखना कि इसमें जो लाइट रेस कन्वर्ज होगी और इसमें जो लाइट रेस कन्वर्ज होगी इसमें डिफरेंस होगा, इसमें लाइट रेस कम होगी या ज्यादा कन्वर्ज होगी। इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, इसकी फोकल लेंथ क्या है ज्यादा है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। ये जो लाइट रेस है ये कम कन्वर्ज होगी, क्या होगी कम कन्वर्ज होगी, ये कुछ ज्यादा कन्वर्ज होगी। समझ में आ रही बात? कन्वर्ज होने का मतलब सिंपल बेंडिंग समझ लो ना, लाइट को जाना था ऐसे, लाइट को जाना था ऐसे, मान लो ये इस तरफ मुड़ गई कितने एंगल से, 60 डिग्री से मुड़ गई, मान लो 60 डिग्री इधर मुड़ गई, इतनी इसकी बेंडिंग हो गई। अच्छा इसकी फोकल लेंथ क्या है कम है। अगर मैं इस लेंस को ए मान लूं, इसको लेंस को बी मान लेता हूं, तो फोकल लेंथ ऑफ ए, अरे यार फोकल लेंथ ऑफ ए क्या है, इसकी फोकल लेंथ क्या है ज्यादा है, इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ बी। कैसे पता किया? अरे ये क्या है सर, लेंस है थोड़ा सा पतलू सा लेंस है, पतलू लेंस की फोकल लेंथ बड़ी सी आती है क्योंकि उसका सर्कल काफी बड़ा बनता है ना, ये मोटू सा है यहीं पे टोन फुला के बैठा हुआ है तो इसका सर्कल काफी छोटा होता है, यानी फोकल लेंथ इसकी छोटी आती है। इसलिए फोकल लेंथ इसकी क्या छोटी है, इसकी क्या है बड़ी है, इतनी बात तो आपको समझ आती है। अच्छा अभी मैंने बताया फोकल लेंथ जिसकी कम, पावर उसकी ज्यादा, यानी अगर फोकल लेंथ ए की क्या है ज्यादा, तो पावर इसकी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, यानी पावर में ये रिलेशन आ जाएगा अगर फोकल लेंथ में ये रिलेशन है तो, ना साइन उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बात समझ में आती है। अच्छा जी अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है तो इसकी पावर क्या होगी कम होगी। इसका फील है क्या, पावर कम होने का मतलब ये है कि अगर ये लाइट रेज ऐसे आई है 60 डिग्री मान लो ये बेंडिंग हुई है, तो इसकी पावर क्या है ज्यादा है ना, तो ये इससे ज्यादा ही बैंड होगी, मान लो 70 या 80 डिग्री बैंड हो गई, ये है इसका मतलब। यानी कि कन्वर्ज होने का, ये भी कन्वर्ज हुई है, ये भाई कन्वर्जिंग लेंस है तो दोनों से लाइट रेस कन्वर्ज हुई है, बेंडिंग हुई है, लेकिन ये 60 डिग्री ही मुड़ी है, ये 80 डिग्री मुड़ गई है, यानी कि इसमें कन्वर्जिंग ज्यादा हुई है, इसमें कन्वर्जिंग कम हुई है। और कन्वर्जिंग जितनी ज्यादा, बेंडिंग जितनी ज्यादा, पावर उतनी ज्यादा, और फोकल लेंथ उसकी उतनी ही क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो इसका फील ये। समझ में आ रही है ना बात? डायग्राम से कैसे देख के बात करोगे, जो लेंस पतलू सा होगा उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, क्या होगी ज्यादा, और फिर पावर कम हो जाएगी। जो लेंस मोटू सा होगा, तोंद खुला के बैठा होगा, उसका उसकी फोकल लेंथ कम होगी, फोकल लेंथ कम होगी तो पावर उसकी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, वो ज्यादा बेंडिंग करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? ये तो थी कन्वेक्स लेंस के केस में। अच्छा डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कनकेव लेंस का भी फील दिला दे क्या, चलो उसका भी फील दिला देते ना। देखो कनकेव लेंस में बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें कन्वर्जिंग की जगह डाइवर्जिंग हो जाएगा, और क्या दिक्कत है, और कोई तो दिक्कत नहीं है। एक और बना लेते हैं, ये थोड़ा पतलू सा है, ये थोड़ा मोटू सा बना लेते हैं, ये थोड़ा कैसा बना लेते हैं मोटू सा, है ना, समझ जाना यार थोड़ा डायग्राम से, ये थोड़ा मोटू है, ये थोड़ा पतलू सा है, ये थोड़ा और पतलू कर देते हैं। देखो पतला करते जाओगे तो सर्कल काफी बड़ा बनेगा ना, और देखो और पतला करते जाओ सर्कल और ज्यादा बड़ा बनेगा, समझ रहे हैं, पतले से और सर्कल बड़ा बनेगा। तो क्या होगा इसका, फिर से क्या आ जाएगा, ये पतलू लेंस और ये कैसा लेंस है, मोटू लेंस है। तो मैंने क्या बोला, पतलू लेंस यानी कि इसका फोकल लेंथ, इसको ए मान लूं और अगर मैं इसको बी मान लूं, तो फोकल लेंथ ऑफ ए इस पतलू है तो ज्यादा होगा, इज ज्यादा देन फोकल लेंथ ऑफ बी। तो सिंपल सी बात समझ आती है, पावर उल्टा केस हो जाएगा, पावर इज लेंथ देन बी, है ना, पावर ऑफ ए इज लेंथ देन पावर ऑफ बी, इतनी बात समझ आती है। अच्छा जी इसका फील क्या है, अच्छा ये डाइवर्जिंग लेंस है तो कन्वर्ज तो करेगा नहीं, अच्छा ऐसा नहीं है, जितना ज्यादा कन्वर्ज करे उतनी ज्यादा पावर, जितना ज्यादा डाइवर्ज करे उसकी भी उतनी ज्यादा पावर होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ध्यान से समझो, अगर ये लाइट रेज ऐसे आती है तो इस बार क्या होगी, इस बार क्या होगी डाइवर्ज होगी, इस बार इधर को डाइवर्ज होती है, समझ में आती है बात। अच्छा जी लाइट इधर भी क्या होती है डाइवर्ज होती है, इधर भी क्या हो जाती है हमारे पास डाइवर्ज हो जाती है। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझना, फोकल लेंथ एक ही ज्यादा थी तो पावर इसकी कम हो गई, पावर इसकी कम होने का मतलब क्या है, ये जो जिस एंगल से मुड़ा है, ये जिस एंगल से मुड़ा है वो क्या हो गई कम हो गई ना, पावर इसकी एक ही पावर क्या है कम है। यानी कि अगर मान लो इसको ऐसे जाना था लाइट को, इसको कैसे जाना था ऐसे जाना था लाइट को, ऐसे तो जाना था,
लेकिन बेंडिंग हुई है ना, रिफ्लेक्शन यही तो कहता है, लाइट को जाना था ऐसे, गई है ऐसे, तो मान लो ये फिर से 60 डिग्री से मुड़ी है लाइट, तो इसको भी लाइट को ऐसे जाना था, तो ये कितने एंगल से मुड़ेगी, ये उससे ज्यादा एंगल से मुड़ेगी, 70 या 80 डिग्री उससे ज्यादा एंगल से मान सकते हो, वो भी डिपेंड करेगा कितनी ज्यादा है ना। तो पावर ऑफ बी का ज्यादा का मतलब क्या है, इसकी डाइवर्जिंग ज्यादा, यानी डाइवर्ज यानी इस तरफ ज्यादा मुड़ेगा, कन्वर्जिंग के केस में कन्वर्ज ज्यादा होगा, पावर का मतलब ये है कि कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग ज्यादा होगा अगर उसकी पावर ज्यादा है, और फोकल लेंथ कम होगा, याद रखना पतले लेंस, पतला जो लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो उसकी पावर कम होगी, मोटू लेंस की फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज्यादा होगी। समझ में आई ना बात समझ में? तो इसका फील ये था। अब थोड़े से बढ़ते हैं हम, ऐसे अगर डायग्राम पे क्वेश्चन ऐसे करके आ जाए तो ये इसको तो कैसे अप्रोच करना है ये समझ में आ गई ना बात, डायग्राम में क्या देखना है आपको, फोकल लेंथ देखना है, और वहीं से पावर रूट्स की उल्टी हो जाती है और कुछ बात नहीं है, है ना, आपको उल्टा नहीं होना है अभी। अब देखो, अब पावर ऑफ लेंस को न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करें, उसके फॉर्मूले क्या है, कॉम्बिनेशन में कैसा आ जाता है अभी बताते हैं। तो पावर ऑफ लेंस का मैंने एक फॉर्मूला भी बताया 1/f, जहां पे फोकल लेंथ को हमेशा मीटर में ही पुट करोगे, फोकल लेंथ को कैसे पुट करोगे, मीटर में ही पुट करोगे। एक और फॉर्मूला दिखाते हैं बुक्स में कि अगर सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दिया हो तो ऊपर 100 आ जाता है, ऊपर क्या आ जाता है 100, तो उसमें कोई पीड़ा वाली बात नहीं है। आप देखो सेंटीमीटर में दिया होगा, सेंटीमीटर में अगर दिया होगा तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड, तो यहाँ पे जब 100 से डिवाइड करोगे तो 100 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई तो हो जाना, तो वो कुछ नहीं किया, सेंटीमीटर को मीटर में ही कन्वर्ट किया। आप अगर सेंटीमीटर को, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया है और आपने मीटर में पहले ही कन्वर्ट कर दिया तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो, अगर सेंटीमीटर में रखे हो तो इसको फॉर्मूला की यूज कर लो, इसकी जरूरत नहीं भी पड़ती, इससे ही काम बन जाता है, या फिर इसको भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, जो पावर होता है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर तभी लिखोगे जब फोकल लेंथ मीटर में होगी, क्या होगी फोकल लेंथ मीटर में। अब देखो जब भी हमारे पास कोई फॉर्मूला होता है हम उसकी ऐसा यूनिट उससे निकाल सकते हैं, उसकी ऐसा यूनिट क्या करते हैं उससे निकाल सकते हैं, कैसे, उस फॉर्मूले में सारी ऐसा यूनिट्स को पुट करके, और फोकल लेंथ ये एक तरह की लेंथ ही है ना, लेंथ की यूनिट यहाँ लिखी हुई है मीटर है, तो ये इसका उल्टा है, तो 1/मीटर, 1/मीटर को मीटर इनवर्स कहते हैं, यानी ऐसा यूनिट ऑफ जो पावर होती है, ऐसा यूनिट किसकी पावर की, वो मीटर इनवर्स होती है, और इस मीटर इनवर्स को, इस मीटर इनवर्स को ही हम डायरेक्टर बोल देते हैं, इस मीटर इनवर्स को ही हम डायरेक्टर बोल देते हैं, जिसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। तो मेरी जान समझ में आई बात, मुस्कराते हुए पढ़ो, कोई दर्द कोई पीड़ा तो बताओ, है ना। तो मीटर इनवर्स इसी चीज को हम डायरेक्टर पे बोल देते हैं। तो एमसीक्यू में अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि मीटर इनवर्स इज आल्सो नोन एस, और एम चार ऑप्शन दे दिया तो डायरेक्टर ही है और कोई बात नहीं है। समझ में आई बात, आई कि नहीं? तो ये याद रखना, फोकस पावर इज बराबर टू 1/f होता है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, डिफाइन वन डायरेक्टर, डिफाइन वन डायरेक्टर कि एक डायरेक्टर को डिफाइन करो, वन वाले क्वेश्चन ना बहुत आते हैं, तो वन वाले क्वेश्चन, वन डायरेक्टर कब होगा, वन डायरेक्टर कब होगा, ये इसकी वन कब आएगी वैल्यू, जब फोकल लेंथ क्या हो, वन हो, तो वन डायरेक्टर इज डिफाइंड व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 1 मीटर, क्या लिख दोगे वन, अरे जब भी वन वाला क्वेश्चन आया ना फॉर्मूले में जंप करो और देखो वन कैसे आ सकता है, वन तभी आ जाएगा जब फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 1। सो वन डायरेक्टर इज डिफाइंड, वन डायरेक्टर is defined when the focal length of the lens is 1 meter। 1 meter जब focal length होगा तो जो power आएगी उसी चीज को हम क्या कहते हैं, वन डायरेक्टर। देखो वन वाले क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बहुत आता है, जैसे define 1 जूल आ जाएगा, या फिर डिफाइन 1 वोल्ट आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा ना। तो वन वाले क्वेश्चन को टैकल करने का सिंपल तरीका, यहाँ फॉर्मूले में जंप करो, देखो वन कैसे आ जाएगा ना। समझ में आई बात है कि नहीं? अब देखो ये तो आसान आसान क्वेश्चन थे, क्वेश्चन कहाँ कराए हैं पे, हैं कहाँ कराए हमने, देखो अरे देखो अभी एक फॉर्मूला याद रखो बस, पावर इज बराबर टू 1/f, समझ गए। इस पर क्वेश्चन कर ही लेते हैं ना, जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमारे पास मान लो फोकल लेंथ दे दिया 50 सेंटीमीटर,
फोकल लेंथ दे दिया 50 सेंटीमीटर, बोला है पावर बताओ उस लेंस का क्या होगा और बताओ नेचर क्या होगा लेंस का, नेचर ऑफ लेंस पूछेगा तो इसका मतलब होता है कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग यानी कन्वेक्स होगा या कनकेव लेंस होगा। तो सिंपल देखो ध्यान से समझो, पावर इज बराबर टू मैंने 1/f बताया कि नहीं, और हमें पता है फोकल लेंथ नेगेटिव पॉजिटिव का केस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कनकेव के केस में नेगेटिव हो जाता है। अच्छा जी फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव ही होगी ना, तो जो साइन कन्वेंशन हम फोकल लेंथ के लिए यूज करेंगे वही पावर के लिए भी यूज करेंगे। समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फोकल लेंथ दीजिए हमारे पास 50 सेंटीमीटर, बोला है पावर निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेचर कन्वेक्स ही कनकेव तो मैं अभी बता दूंगा, क्योंकि फोकल लेंथ प्लस का है, प्लस का फोकल लेंथ किसका होता है कन्वेक्स का होता है, तो अभी पता नेचर का आंसर तो अभी निकाल लिया मैंने कैसे कि फोकल लेंथ प्लस का है तो वो कैसा लेंस होगा कन्वेक्स लेंस होगा, कैसा लेंस होगा कन्वेक्स। आ जाओ पावर निकाल लेते हैं, पावर क्या हो जाता है हमारे पास 1/f, लेकिन यहाँ पे हमें पता है f तभी रखते हैं हम जब इसको क्या किस में रखते हैं, मीटर में रख देते हैं, मीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको नीचे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 ऊपर पहुंच जाएगा, फिर 2 बार में बड़े मोहब्बत से खर्च हो जाएगा, तो पावर इज बराबर टू 2 डायरेक्टर, क्या आ जाएगा पावर इज बराबर टू 2 डायरेक्टर बड़ी मोहब्बत से। समझ में बात, अच्छा इसी चीज को मान लो मैंने ये कह दिया, कि फोकल लेंथ दिया हुआ है माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब बताओ नेचर तो पहले ही बता सकता हूँ ना, नेचर में क्या दिक्कत है, फोकल लेंथ नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब नेचर तो कनकेव होगा, पिछले वाले केस में कन्वेक्स होना था, कनकेव क्यों होगा, कनकेव लेंस का नेगेटिव होता है फोकल लेंथ। अच्छा पावर निकालो फिर से बड़े ही मोहब्बत से निकालेंगे, 1/f होता है, अच्छा 1/f ये जो है ये मीटर में होना चाहिए, मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करूंगा, नीचे 100 है ऊपर पहुंच जाएगा, तो 4 बार में कट जाएगा, तो 4d यानी पावर इज बराबर टू 4 डायरेक्टर। समझ में आई बात, अच्छा ये तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हो गए, सिंपल ही तो थे, पावर का एक आसान सा फॉर्मूला है 1/f, बस ये याद रखना है उसको मीटर में रखना है ना, बाकी उसका फील भी मैंने करा दिया। अब मैं बात करता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का मैंने जहाँ की बताया, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं लेकिन मैं कहूँगा ध्यान दे लो इसको, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आसान सा ही टॉपिक है, कोई पीड़ा वाली बात नहीं है, टेंथ के हिसाब से तो बहुत ही आसान है ना, क्या बोल रहे हो, खुद आसान बोल रहा है मुझे आसान थोड़ी ना लगेगा, लगेगा भाई। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का मतलब क्या है, एक से ज्यादा लेंसेज को आपस में रखना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, जैसे कि एक लेंस ये हमारे पास, इसी के पास एक और लेंस रख दिया, एक और लेंस रख दिया, बहुत सारे लेंसेज रख दिए, क्या रख दिया मैंने एन नंबर ऑफ लेंसेज रख दिया, कनकेव है ये, कन्वेक्स लेंस है, हो सकता है बीच में सारे कन्वेक्स हो सकता है सारे कनकेव हो सकता है बीच में कुछ कन्वेक्स भी हो कुछ कनकेव भी हो, जो आपस में रखें चिपका चिपका के, जैसे बहुत सारे माइक्रोस्कोप होते हैं, टेलीस्कोप होते हैं, या फिर कैमराज होते हैं, इनमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का। तो यहाँ पे पावर क्या आती है लेंस की, नेट पावर क्या होती है, क्योंकि सारे लेंसेज की अलग अलग पावर होगी ना, है ना, होगी कि नहीं होगी, सारे लेंस का अलग अलग फोकल लेंथ होगा, सारे लेंस की अलग अलग मैग्नीफिकेशन होगी। तो देखो यार मैग्नीफिकेशन से तो वैसे क्वेश्चन इतना नहीं आता, फिर भी मैं बता दूंगा फॉर्मूला आखिर क्या होता है ना। अब ध्यान से समझ लो, मैंने कन्वेक्स लेंस लिखा है, जरूरी नहीं कन्वेक्स ही हुआ, कनकेव भी हो सकता है और मिक्सचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो कुछ तो पावर होगी, प्लस की या माइनस की होगी, ठीक है इसको मान लेते हैं, इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, इसकी पावर P3 है, ऐसे चलता गया, इसकी पावर है Pn, है ना, इसकी पावर क्या है ये n वाला लेंस है, इसकी पावर हो गई Pn, ठीक है ना। अच्छा इसकी फोकल लेंथ मैंने मान लिया F1, इसकी मान लिया F2, इसकी मान लिया F3, इसकी फोकल लेंथ मैंने मान लिया Fn, समझ में आई बात, इसका मैग्नीफिकेशन मैंने मान लिया M1, इसका मैग्नीफिकेशन M2, इसका मैग्नीफिकेशन M3, इसका मैग्नीफिकेशन MN मान लिया, समझ में आई बात। बस 3 फॉर्मूले अभी लिख देता हूँ, बड़े मोहब्बत से याद कर लेना, अरे बड़ा आसान है, कुछ भी बात नहीं है। अगर पहले ध्यान से पावर का समझो, अगर बहुत सारे लेंसेज कॉम्बिनेशन में है, आपस में जुड़ी हुई है, तो नेट पावर अगर पूछ ले कि पूरे का नेट पावर ओवरऑल क्या होगा, सिंपल जोड़ दो, कुछ नहीं करना, सिंपल जोड़ दो, लेकिन याद रखना जोड़ते समय साइन का जरूर याद रखना, कि इसकी मान लो ये कन्वेक्स है तो सारे की पावर तो पॉजिटिव ही होगी क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, लेकिन मान लो बीच में कोई कनकेव आ गया तो उसके पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो साइन के साथ रखना है, साइन के साथ नहीं रखोगे तो आंसर गलत आएगा, समझ में आई बात। तो पी नेट जो आता है, जो पी नेट आता है वो होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn, पहला फॉर्मूला समझ गए, ये होता है,
समझ गए कि नहीं? सिंपल जोड़ना है लेकिन याद रखना विद साइन, ठीक है ना। अब देखो पावर का मैंने फॉर्मूला बताया था, ये क्या होता है उल्टा होता है फोकल लेंथ का, इसी को मैं 1/f लिख सकता हूँ। नेट है तो यहाँ नेट लगा दिया, जाली लगा दी, अच्छा यहाँ 1 है तो 1/f1 लगा दिया, 2 है तो 1/f2 लगा दिया, और उल्टा ही तो करना होता है पावर का, ये क्या हो जाएगा 1/f3 हो जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा 1/fn, यानी कि नेट जो जो नेट लेंथ बनेगा उसका जो फोकल लेंथ आएगा वो कैसे निकालेंगे, नेट फोकल लेंथ हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। अच्छा मैग्निफिकेशन भी आ जाता है, मान लो मैग्निफिकेशन इस पूरे का नेट मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना m1 into m2 into m3 dot 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 mn, मतलब मैग्निफिकेशन के केस में सारे के मैग्निफिकेशन को प्रोडक्ट कर दो मल्टीप्लाई कर दो तो नेट मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। हालांकि ये तो बहुत ही कम नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया अगर मैग्निफिकेशन नेट मैग्निफिकेशन निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देना, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल लेंस, ठीक है ना। ये तीन फॉर्मूले याद रख लो, कोई दर्द तो पीड़ा वाली बात नहीं आएगी ना। बस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल जब तक नहीं करोगे तब तक दिमाग में अच्छे से बैठे ही नहीं चाहिए, इसलिए अच्छे से बैठाने के लिए कुछ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ में आई बात। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा फिर से कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे, जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है एक हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, उसके साथ में ही एक और कन्वेक्स लेंस ही जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा है कन्वेक्स लेंस ही जुड़ा हुआ है। अच्छा इसकी पावर मान लेता हूं मैं, इसकी पावर मान लेता हूँ 5, और मान ले इसकी पावर मान लो 5 डायरेक्टर, इसकी पावर मान लो 2 डायरेक्टर, इसकी पावर मान लो 5 डायरेक्टर, इसकी पावर मान लेते हैं 2 डायरेक्टर, दोनों की प्लस में ही होगी, क्योंकि देखो जो फोकल लेंथ का साइन होता है वही पावर का होता है, फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का प्लस का होता है तो पावर भी कैसा होगा प्लस का होगा। अगर कोई पूछे कि नेट फोकल लेंथ क्या होगा, क्या होगा नेट फोकल लेंथ क्या होगा, तो कैसे निकालोगे नेट फोकल लेंथ कैसे होगा। देखो यार इसके तरीके बहुत निकालने के, लेकिन मैं देखो क्यों, क्योंकि पावर भी निकाल, मैं नेट पावर भी निकाल सकता हूँ सिंपल जोड़ के, नेट पावर निकाल सकता हूँ फिर उसको उल्टा कर दूंगा, समझ लो मेरी बात, अभी बताता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। और ये भी कर सकता हूँ मैं फोकल लेंथ का भी नेट फॉर्मूला भी मैंने ये बताया था, लेकिन उस फॉर्मूले में मत जाना, बहुत कंफ्यूजन होती है और तुम्हारा फ्यूज उड़ जाएगा भाई एग्जाम में, उसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। सबसे पहले मैं आसान तरीके से बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आप कैसे उस क्वेश्चन को अप्रोच करते हो मोस्टली और गलत करते हो, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, नेट पावर हमें निकालना है, क्या फोकल लेंथ निकालना है नेट, लेकिन डायरेक्ट फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला लगा दो कि आंसर आ जाएगा, भाई वो भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ नेट पावर निकाल दो ना, नेट पावर निकाल दो क्या हो जाएगा P1 + P2, अरे दो लेंथ है तो बस दो में खत्म हो जाएगा, P1 है 5 P2 है 2 तो कितना आ जाएगा बड़ी मोहब्बत से 7 डायरेक्टर आ गया, 7 डायरेक्टर आ गया। अच्छा जी अरे नेट पावर हमारे पास है, नेट फोकल लेंथ पूछा है तो क्या दिक्कत है, नेट फोकल लेंथ जो होगा वो नेट पावर का ही तो उल्टा होगा, आपस में ये दोनों उल्टे ही तो होते हैं, तो उसके टांगों पर मुंडी नीचे कर दो तो ये मीटर में हमारा आंसर आ जाएगा, समझ में आई बात। ये आसान सा हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे भी करते हैं, ऐसा नहीं गलत है वो सही है, लेकिन उसमें मिस्टेक होने के चांसेस काफी ज्यादा है। देखो क्या आया आंसर 1/7 आया है, इसको याद रखना, याद रखो कि दूसरा क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, मान लो इसका फोकल लेंथ F1, मान लो इसका फोकल लेंथ F2, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, F1 कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा F1 निकालने के लिए 1/P1 करना पड़ेगा, P1 क्या है 5 तो 1/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। F2 अगर निकालना है मुझे क्या हो जाएगा 1/P2 हो जाएगा, P2 क्या है 2 है तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। देखो मैं भी गलती कर सकता हूँ इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता हूँ, मीटर मीटर इसमें मीटर में आ गया आंसर। अच्छा मुझे क्या निकालना है, एफ नेट निकालना है, क्या निकालना है एफ नेट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/F1 + 1/F2। अच्छा यहाँ तो तुमने टांगों पर मुंडी नीचे किया है, यहाँ तो तुमने रेसिप्रोकल किया है, लेकिन फिर दोबारा से टांगों पर मुंडी नीचे करना होता है यहाँ पे, और फिर दोबारा से करना होता है। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, 1/F1 रखना है, F1 नहीं रखना मुझे, 1/F1 रखना है, तो F1 तो 1/5 था, इसका भी उल्टा करोगे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 1/F2 करना है यार। देखो ये F2 है, यहाँ पे रखो F2 की वैल्यू 1/2, तो 2 ऊपर कोई जगह नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये सिंपल 2 ही आ जाएगा, यानी कि यहाँ से 7 क्या आ जाएगा, ये 1/fnet ही निकला है अभी, यह 1/fnet यानी सिंपल पावर ही निकला है, देखो ना 1/fnet को पावर ही तो कहते हैं, पावर 7 आया था कि नहीं, तो ये 7 आ गया। अच्छा ये 1/fnet है, fnet अगर मुझे निकालना है तो 1/7 आ जाएगा, उल्टा कर दोगे ये सिंपल 1/fnet का मतलब पावर ही निकला और कुछ नहीं निकला, तो इससे भी आ गया आंसर, ऐसी बात नहीं है। देखो वो आसान था कि नहीं था, है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी पहले उल्टा किया
फिर यहाँ पे उल्टा किया, लास्ट में उल्टा करना पड़ा, इतना उल्टा करते करते कहीं तुम ना उल्टे हो जाओ, समझ गए ना। तो इसलिए ऐसा उल्टा हमें नहीं होना है। आसान सा देखो, पावर वाले फॉर्मूले ज्यादातर यूज करो, कोशिश करो वो यूज करने की, क्योंकि उसमें सिंपल एडिशन होता है। फोकल लेंथ में दिक्कत हो जाती है, फोकल लेंथ वाले फॉर्मूले से करोगे दिक्कत हो जाती है, मैंने बता इसलिए दिया ताकि कोई दिक्कत ना आपको, समझ में आई बात। और भी क्वेश्चन को कर लेते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास ऐसा जरूरी थोड़ी ना दोनों कन्वेक्स लेंस ही हो, सकता है एक कन्वेक्स हो एक कनकेव हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। मान लेते हैं एक मेरे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस है और यहीं पे जुड़ा हुआ है कनकेव लेंस, एक जुड़ा हुआ कनकेव लेंस है। और मैं आगे बात, इसकी पावर है 8 डैप्ट और इसकी पावर है 10 डैप्ट, लेकिन मैं इसमें माइनस लगाऊंगा। कनकेव है ना, कनकेव की केस में माइनस लगाऊंगा, बोला था ना साइन के साथ रखना, गड़बड़ मत करना इसलिए करा रहा हूँ। अब बोला फिर से फोकल लेंथ निकाल लो, नेट फोकल लेंथ, नेट फोकल लेंथ पड़े ही ऊपर से निकाल लो। तो फिर से हम कर देते हैं, पी नेट निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसकी पावर P1 मान लो, ये मान लो P2, तो पी नेट जो हो जाएगा P1 प्लस P2 हो जाएगा, यानी 8 प्लस ठीक है, लेकिन ये माइनस का 10 है, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, 8 में से 10 गया, माइनस का 2 डैप्टर। इसकी पावर क्या आई है, माइनस का 2 डैप्टर आई है। इसका मतलब समझ में आ रही है आपको, पावर माइनस का मतलब क्या है, वो कनकेव लेंस है, यानी देखो ये कन्वेक्स लेंस है और ये क्या है, कनकेव लेंस है, लेकिन पूरा कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कनकेव की तरह। देखो कनकेव की पावर ज्यादा थी ना, इसलिए कनकेव वाले ने इसको हरा दिया। देखो ना, ये कन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा था, ये कनकेव की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन ये इसकी पावर ज्यादा थी तो इसने हरा दिया, और ओवरऑल जो बिहेवियर है वो कनकेव की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये देखो ये नेगेटिव है, समझ में आई बात। अरे आई तो मुस्कुरा दो। तो पी नेट आ गया हमारे पास, एफनेट निकालना है, एफनेट निकालने के लिए क्या करोगे, एफनेट निकालने के लिए एफनेट इज बराबर टू 1/P नेट कर दो, 1/P नेट यानी कि 1/-2 क्या लिख दो, माइनस का 0.5 मीटर, तो ये भी माइनस में आना ही था, क्योंकि फोकल लेंथ और पावर का क्या होता है, सेम ही साइन होता है, तो पावर से फोकल लेंथ पे बढ़ गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोकल लेंथ से फोकल लेंथ में बढ़ोगे तो भाई दिक्कत आ जाती है, मैंने बताया ना। दूसरे वाले तरीके से करके दिखाऊं या कर लोगे, आंसर तो देखो सेम ही आएगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, थोड़ी दुविधा होगी आपको। क्या करोगे, देखो खुद करना इसको ट्राई, इसकी फोकल लेंथ को F1 मान लेना, इसकी फोकल लेंथ F2 मान लेना, ठीक है। इसका यहाँ पे टांग ऊपर उल्टे नीचे करोगे तो 1/8 इसका फोकल लेंथ आ जाएगा, इसका माइनस का 1/10 आ जाएगा, F1 F2 आ गया आपके पास। फिर Fnet 1/Fnet इज बराबर टू 1/F1 प्लस 1/F2 लगाना, वहां वैल्यू पुट करना, वो दोबारा उल्टा करके और फिर लास्ट में फिर से उल्टा करना। कर ही देता हूँ, देखो यार सुनाओगे मुझे, याद ना क्या आंसर आया, माइनस का 0.5, क्या आंसर आया, माइनस का 0.5। ये F1 मान लिया, ये F2 मान लिया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, F1 निकाल लेते हैं क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, F2 निकाल लेते हैं वो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/10 आ जाएगा, मीटर लगा लेना यार जल्दी जल्दी करते हैं। अच्छा 1/Fnet अगर मुझे निकालना है वो क्या होता है, 1/F1 प्लस 1/F2, अच्छा जी 1/F1, अच्छा 1/F1 1/8 है, ये F1 की जगह 1/8 है, तो 1 इधर 8 ऊपर फिर पहुंच जाएगा, दिमाग लगाओ ना अच्छे से, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें गड़बड़ी हो जाती है। 8 प्लस, अब ये क्या है, ये 1/10 है, तो ऊपर जब 10 जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा कि नहीं, तो 8 में से 10 गया, ये आ जाएगा माइनस का 2, और ध्यान से देखो ये 1/Fnet की वैल्यू आई है माइनस का 2, 1/Fnet पावर ही तो होता है, पावर माइनस का 2 नहीं आई थी, आई तो थी। अच्छा जी फिर से अगर इसकी टांग ऊपर मुंडी नीचे कर दोगे तो माइनस का 1/2 यानी कि माइनस का 0.5 मीटर, अपने बड़े मोबाइल से आंसर आ जाएगा, लेकिन इस वाले तरीके को मत करना एग्जाम में, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा जी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन, ताकि कंसेप्ट समझने में और कोई दुविधा आपको ना फेस करनी पड़े, समझ आ रही है बात। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक लेंस है, अरे चल जा भाई, हमारे पास एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ दी हुई है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, समझ में आई बात। हमारे पास एक और लेंस है, ये क्या बना दिया, ये क्या है, अरे हमें नहीं पता ये कौन सा लेंस है, ठीक है ना, कोई लेंस लगाया है अभी नहीं पता हमें कौन सा कनकेव या कन्वेक्स है। अच्छा जी इसकी नेट पावर दी हुई है, हमारे पास इसकी नेट पावर दी हुई है 5 डैप्टर, नेट पावर क्या दी है 5 डैप्टर दी हुई है। अच्छा बोला है ये जो लेंस है जो नया वाला है जिसके बारे में हमें नहीं पता, उसकी पावर निकालो और बताओ उसका नेचर क्या है, यानी वो कनकेव है या कनवेक्स है। अरे पावर निकल जाए तो नेचर तो बता ही देंगे हम,
उसके साइंस ये बता देंगे, मेन काम है हमें पावर दिखा। मेन काम क्या है? पावर दिया क्या है? इसकी फोकल लेंथ है, इसकी फोकल है, और जो पावर दिया है ये नेट पावर दिया होगा। पावर क्या दिया? नेट पावर। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं? इसकी पावर निकाल लेते हैं, फिर इसकी भी पावर रह जाएगी। अरे नहीं आएगी, देखो ना यहाँ पे इसकी इसकी फोकल लेंथ दी हुई है। अच्छा इसका पावर अगर मैं निकालूंगा तो 1/f हो जाएगा। इसका पावर क्या हो जाएगा? 1/f हो जाएगा ना। लेकिन ये क्या है, याद रखना ये 10 सेंटीमीटर में है। किसमें? सेंटीमीटर में है। तो क्या करूंगा? 1/10 और 100 से डिवाइड करूंगा, 100 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 10 डायरेक्टर। यानी कि इस लेंस को 1, इसको 2 मान लूं तो ये F1 मान लेता हूं हर जगह, तो ये P1 आ जाएगा। पर इसको इसकी पावर को मान लो P2, इसकी पावर को मान लो P2 निकालना है, P2 तो P2 निकालना है। यानी P1 आ गया 10 डायरेक्टर, इसकी पावर आ गई 10 डायरेक्टर। कोई दिक्कत नहीं है, पी नेट दिया हुआ है ना हमको, इधर कर लेते हैं। पी नेट हमको दिया हुआ है कितना? 5 डायरेक्टर दिया है। अच्छा पी नेट कैसे निकालते हैं? सिंपल P1 + P2 कर दो, कितना आ जाएगा? 5 डायरेक्टर। P1 निकाल लिया हमने, 10 + P2 निकालना है, ये आ जाएगा 5। P2 निकालो तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? माइनस का 5 डायरेक्टर। तो P2 क्या आ गया? माइनस का 5 डायरेक्टर आ गया। कैसा आ गया? माइनस का 5 डायरेक्टर आ गया, और नेगेटिव आया है। पावर क्या है इसकी? नेगेटिव आई है पावर। नेगेटिव आने का मतलब क्या है? उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है? कनकेव लेंस की होती है। किसकी होती है? कनकेव लेंस की होती है। तो बड़े ही मोहब्बत से इसको कर सकते हो। तो हमने फाइनली लाइट शिफ्ट को अच्छे तरीके से खत्म कर लिया, काफी ज्यादा टाइम लगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वन शॉट भी जल्दी ही इसका आएगा, जिसको जल्दबाजी में चैप्टर खत्म करना होगा उसको भी हम कर लेंगे। सो पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो एंड हैव अ ब्लास्ट।